ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है। हाउ अदर्स सी यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू सी योर सेल्फ मीन्स एवरीथिंग। दूसरे लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, दूसरे लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं, दूसरे लोग आपको कितना बिलिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैटर नहीं करता है। जब तक आप खुद को एक श्रेष्ठ इंसान ना मानते हो, जब तक आप खुद को एम्परर ना मानते हो, जब तक आप खुद को कुछ भी करने के लिए कैपेबल ना मानते हो, अगर आप खुद की नज़रों में ऊपर नहीं उठ पाए तो फिर दुनिया आपको कभी उठने नहीं देगी। इसलिए अपनी नज़रों में उठिए, आप खुद को इतना कैपेबल बनाइए कि आप कुछ भी कर सको, फिर दुनिया आपको कितना भी रोकने की कोशिश करोगे, आप बिल्कुल नहीं रुकोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे और फिर दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन एक बार आपने वो अचीव कर लिया उसके बाद दुनिया आपको फॉलो करेगी। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप फॉलो करना चाहते हो या दुनिया को फॉलो करवाना चाहते हो। अब आप मेरे कोर्सेज को अनअकैडमी प्लस पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर आपको मेरी प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी मयूर मोगरेस नाम से। उसके बाद जो भी मेरे प्लस कोर्सेस हैं आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने MPSC के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि मराठी लैंग्वेज में है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल में इस कोर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहाँ पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिए होंगे। तो आप किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ले जाया जाएगा और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टेट जो है वो डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो इस तरीके की एक विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको रेफरल कोड जो है वो यहाँ पर उसका एक बॉक्स दिखाई देगा। अब इस रेफरल कोड में आपको कोड इंसर्ट करना है MMBEAN, ये कोड अगर आप वहाँ पर इंसर्ट करते हो तो उसके बाद ये कोड जो है रेफरल कोड वो यहाँ पर अप्लाई इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जो पहले आपको 1400 रुपये थे, 1400 रुपीज़ थे एक महीने के, अब उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो सिर्फ 1260 रुपये पर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये रेफरल कोड जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उसके बाद इस तरीके की नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहां पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है वेरियस बैंक्स के थ्रू। उसी के साथ साथ अगर आपको UPI के थ्रू यहां पर पेमेंट करना है तो उसका भी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। और फाइनली आप किसी भी एक ऑप्शन को यहां पर क्लिक करके पे का अगर ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सब आपको वहां पर दिखाई देंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये जो कोर्सेस है ये MPSC एग्जाम के लिए है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये मराठी लैंग्वेज में रहने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 6 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखेंगे। सुबह मैं नहीं ला पाया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन शाम को आपके सामने आर्टिकल जो है, जो एनालिसिस है वो हाजिर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है आज, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। जूम्ड इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी न्यूज़ में चल रही है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, कंट्री का नाम लिखना है, कैपिटल लिखना है, करेंसी लिखना है, इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो PDF, और उसी के साथ साथ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए हम एक्सप्लेन सेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेघालय वायलेंस जो है उसके बारे में बात की गई है, तो इसके पीछे क्या कारण है सभी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरीके से देखेंगे डिसेबिलिटी पेंशन मतलब बेसिकली क्या है और ये क्यों अपसेट कर रहा है। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है, दिल्ली गैंगरेप कन्विक्ट जो है उनकी जो हैंगिंग है वो यहाँ पर डिले होती जा रही है। हमने देखा है जैन की कोई डेट दी गई थी, उसके बाद फेब की दी गई, अब यहाँ पर मार्च की दी गई है। तो क्यों यहाँ पर इतना डिले हो रहा है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार देखेंगे कुछ नए पहलुओं के साथ। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर आप देखते हो तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूरा जो पॉलिटिकल है उस तरीके का एक आर्टिकल है। उसी के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली जो है उसके बारे में बात की गई है
उसी के साथ साथ ये वाला जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात कर रहा है, ये वाला आर्टिकल जो है इंडिया यूएस जो है उसके बीच के रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी कुछ जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो भी इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन सब आर्टिकल्स को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सोल्जर्स को, क्या डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो देना पड़ेगा। तो इस न्यूज़ आर्टिकल के जरिए हम देखेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन मतलब बेसिकली क्या होता है, उसी के साथ साथ कौन कौन से क्राइटेरियाज यहाँ पर होते हैं डिसेबिलिटी के लिए, और फिर डिसेबिलिटी पेंशन जो है उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए न्यूज़ में क्यों आया है कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर यहाँ पर लाया गया था 20 फेब को, उसे विड्रॉ कर दिया है। अब इस सर्कुलर में क्या कहा गया था, तो बैंक्स को यहाँ पर डायरेक्ट किया गया था कि आप इनकम टैक्स जो है उसे डिडक्ट कीजिए। अब हमारा तो इनकम टैक्स वैसे ही डिडक्ट होता है, तो फिर किसका इनकम टैक्स यहाँ पर डिडक्ट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल को, उनकी जो पेंशन है वो यहाँ पर डिडक्ट की जाए, उसका जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पर डिडक्ट किया जाए। और ये बेस था जो 24 जून 2019 को जो लेटर दिया गया था उसके ऊपर। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो डिसेबल्ड रिटायर मिलिट्री पर्सनल है उनके क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, कैटेगरी कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर कैटेगरी जो है डिसेबल्ड वेटरन्स की, वो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें तीन बेसिक कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहला है बैटल कैजुअलिटीज, वॉर वाउंडेड, दूसरी है बैटल कैजुअलिटीज, और तीसरी है डिसेबिलिटीज ड्यू टू सर्विस कंडीशंस। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो बैटल कैजुअलिटीज है वॉर वाउंडेड, तो ये बेसिकली कब होता है, जब जो हमारे सोल्जर्स है अगर किसी और कंट्री के साथ हम वॉर पर है, युद्ध पर है, या फिर टेररिस्ट इंसर्जेंस इस तरीके की अगर कोई ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं उसमें अगर कोई उन्हें कैजुअलिटी होती है, बैटल कैजुअलिटी होती है, तो उसे बैटल कैजुअलिटी वॉर वाउंडेड कहा जाता है। और अगर यहाँ पर पर्सनल है वो यहाँ पर बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकल वाउंड जो है वो यहाँ पर इंजरी जो है वो सफ़र नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिजिकल इंजरी जो है वो सफ़र करते हैं, यहाँ पर कोई फिजिकल इंजरी सफ़र नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं बैटल कैजुअलिटीज। और तीसरा आता है डिसेबिलिटी सर्विस कंडीशन, मतलब देखिए कभी कभार जो है अगर आपको याद होगा सियाचिन ग्लेशियर है ना, वहाँ पर जो है काफ़ी हार्श कंडीशंस होती है। राजस्थान का थार डेजर्ट अगर आप देखोगे तो उसमें भी काफ़ी हार्श कंडीशंस होती है। तो वैसे सिनारियों में अगर रखा जाता है तो परमानेंट डिसेबिलिटीज कुछ हो जाती है जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्हें, पर्सनल है उन्हें, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, डिसेबल्ड हो जाते हैं कंडीशन जो होती है सर्विस की उस वजह से, मतलब लाइफस्टाइल डिसीज जो है वो उन्हें देखने को मिलती है। तो ये जो होता है उसे कहा जाता है डिसेबिलिटीज ड्यू टू सर्विस कंडीशन। तो ये तीन तरीके के डिसेबल्ड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि लेस देन 20% डिसेबल्ड, तो इसे डिसेबल्ड जो है वो नहीं माना जाता है, मतलब यहां पर जो भी बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अब यहां पर अगर 21% से लेकर 50% तक अगर कोई डिसेबल्ड है तो 50% डिसेबल्ड जो है वो कंसिडर किया जाता है। फिर 51% से लेकर 75% तक है, 75% डिसेबल्ड कंसिडर किया जाता है। 76% से अगर ज़्यादा है तो 100% डिसेबल्ड जो है वो कंसिडर किया जाता है। और जैसे जैसे इनकी डिसेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर बेनिफिट जो है मॉनिटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स जो बैटल कैजुअलिटी है वाउंडेड और बैटल कैजुअलिटी जो नॉर्मल है, मतलब जो वॉर में नहीं हुआ है, ये जो दोनों कैजुअलिटीज होती है इसमें कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लेस देन 20% डिसेबल्ड है उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर 21 to 50%, मतलब जो 50% डिसेबल्ड है उन्हें 30% ऑफ द लास्ट पे ये प्रोवाइड किया जाता है पेंशन के रूप में डिसेबिलिटी अलाउंस के तौर पर। ध्यान देना है आपको, ये नॉर्मल पेंशन नहीं है, ये डिसेबिलिटी अलाउंस के तौर पर जो है वो पेंशन के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। वही अगर आप देखोगे 75% डिसेबल्ड है तो 45 ऑफ द लास्ट पे जितना भी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लास्ट उन्होंने 1 लाख जो है वो सैलरी यहाँ पर ली है, ठीक है, 1 लाख रुपए सैलरी ली है, तो इसका नॉर्मल पेंशन कितना आएगा, तो बट ऑब्वियसली 50% जो है इसका पेंशन मिलता है, मतलब कितना 50,000 रुपीज पेंशन आएगा, ठीक है, ये नॉर्मल पेंशन हो गया। लेकिन अगर कोई 50% डिसेबल्ड है तो उसे 30% ऑफ द लास्ट पे, मतलब यहाँ पर 1 लाख है उसका 30% जो है वो यहाँ पर जो है वो पेंशन के तौर पर, डिसेबल्ड पेंशन के तौर पर जो है वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर 76% ज़्यादा है, मतलब 100% अगर कोई है, 60% ऑफ द लास्ट पे डिसेबल्ड पेंशन के तौर पर उन्हें प्राप्त होता है।
इतना क्लियर हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर बेनिफिट जो है, अगर सर्विस कंडीशन की वजह से डिसेबिलिटी आती है तो यहाँ पर 20% तक कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद 50% डिसेबल्ड है तो 15% मिलेगा, 75 है तो 22.5% मिलेगा, और 100% है तो 30% ऑफ लास्ट पे जो है वो डिसेबल्ड पेंशन के रूप में इन्हें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि ये जो पेंशन उन्हें मिल रहा है क्या ये टैक्स फ्री है या फिर इस पर टैक्स लगता है। अब देखिए, एंटायर पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन जो है, मतलब यहाँ पर जो हमने देखा था कि 50,000 तो नॉर्मल पेंशन मिल रहा है और प्लस अगर 30,000 उन्हें एक्स्ट्रा पेंशन के रूप में मिल रहा है, मतलब टोटल 70,000 जो है वो मिलता है, तो ये पूरी रकम जो है, पूरी रकम यहाँ पर, सॉरी 80,000 हो गया, पूरी रकम जो है ये यहाँ पर टैक्स फ्री होती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जितने भी कैटेगरीज है एग्जम्प्ट होते हैं फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स उन्हें पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है, मतलब CBDT जो है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला जून 2019 में, उन्होंने कहा टैक्स एग्जम्पशन जो है डिसेबिलिटी पेंशन, ये अवेलेबल रहेगा सिर्फ उन पर्सनल को जिनको यहाँ पर मतलब इनवैलिडेट किया गया, लेकिन अगर कोई रिटायर्ड हो रहे हैं तो उन्हें ये नहीं मिलेगा। अब आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नॉर्मल जो है रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, एक पर्सनल है ना, ये इनकी एज हो गई तो ये रिटायर्ड हो गए, नॉर्मल रिटायरमेंट जो है ये इन्हें मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये डिसेबल्ड भी है, मतलब इन्हें कैजुअल्टी भी हुई है ना, तो प्लस यहाँ पर रिटायरमेंट के पैसे प्लस यहाँ पर डिसेबल्ड ये जो है वो मिलेगा। अब एक दूसरा इंसान है, दूसरा इंसान जो है उसे यहाँ पर डिसेबिलिटी आ जाती है, फिर इसे इनवैलिडेट कर दिया जाता है, मतलब ये रिटायर्ड होने के पहले ही इन्हें रख दिया जाता है कि भाई अब यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हो, तो इन्हें जो है इन्हें डिसेबल्ड पेंशन जो है वो प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है CBDT के द्वारा कि ऐसे जो इंसान है जिन्होंने नॉर्मल अपना रिटायरमेंट यहाँ पर लिया है उन्हें यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे जो है जिन्हें यहाँ पर इनवैलिडेट किया गया है उन्हें यहाँ पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटस को जो है मेंटेन करने को कहा गया था। अब करंट कंट्रोवर्सी अगर हम देखते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफरेंट अकाउंट जो है अलाहाबाद, उन्होंने इशू किया एक सर्कुलर February 20th को, इसमें कहा फॉर नेसेसरी एक्शन ऑन जून 2019 CBDT नोटिफिकेशन टू डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम पेंशन ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर टैक्स डिबेट करना शुरू कर दिया, जो टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स होता है वहीं से टैक्स जो है वो डिडक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, इनकी जो पेंशन है अगर ये जमा हो रही है SBI में, तो SBI जो है खुद यहाँ पर सोर्स से ही जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पर डिडक्ट करना शुरू कर रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इनको पैसा मिल रहा है काफ़ी कम मिल रहा है, मतलब एज लिटिल एज 1,000 मिल रहा है सब कुछ चीज़ें डिडक्ट होने के बाद, तो इतना कम इनको जो पैसा है वो मिल रहा है, इसीलिए ये काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो चीज़ लाई गई है कि आप यहाँ पर टैक्स जो है वो क्यों लगा रहे हो, जो पेंशन यहाँ पर दी जा रही है उस पर यहाँ पर टैक्स जो है वो क्यों लगाया जा रहा है, तो ये पूरा सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो क्राइटेरिया जो कैटेगरीज यहाँ पर दी गई है, उसी के साथ साथ यहाँ पर टैक्स फ्री है क्या, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि सभी यहाँ पर टैक्स फ्री है, नहीं तो आपको एग्जाम में कैसा स्टेटमेंट आ सकता है कि जो नॉर्मल पेंशन मिलती है वो टैक्स फ्री रहेगी लेकिन जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी वो उस पर यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। एंटायर पेंशन जो है और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है पेंशन का, सभी यहाँ पर एग्जम्प्ट होते हैं फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है, और कैटेगरी जो है डिसेबल्ड वेटरन्स की, ये भी तीनों जो कैटेगरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ दी है, ठीक है। तो अब आपको पूरा सिनारियो जो है वो समझ में आ गया है, पूरा पिक्चर अब आपका क्लियर हो गया है इसके रिगार्डिंग। तो आइए हम यहाँ पर मेघालय वॉयलेंस जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, मेघालय में इतना वॉयलेंस क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, और उसी के साथ साथ CA के साथ जो लिंक किया जा रहा है तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, न्यूज़ अगर देखी जाए तो उसमें हो रहा है लास्ट वीक एथनिक वॉयलेंस जो है, यहाँ पर 3 लोगों की डेथ हो गई मेघालय में, ठीक है। एथनिक वॉयलेंस, एथनिक मतलब क्या होता है, देखिए हर स्टेट में हर कंट्री में अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, है ना, तो अलग अलग एथनिसिटी के लोग हमें मेघालय में भी देखने को मिलते हैं, और मेघालय खासकर ट्राइबल जो है उनसे काफ़ी मतलब ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे खासी ट्राइबल, ये किल्ड किया गया क्लैश इन दी विलेज, ठीक है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास, उसके बाद तो क्या, उसके बाद तो फिर यहाँ पर अटैकिंग जो है वो शुरू हो गई, है ना। तो उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर 2 नॉन ट्राइबल जो लोग हैं उनकी भी डेथ यहाँ पर देखने को मिली। अब देखिए, मल्टी एथनिक मेघालय हमें देखने को मिलता है। मेघालय जो है वो स्टेट बनता है 1972 में, ठीक है, जब इसे आसाम से बाहर निकाला गया,
लेकिन उससे पहले जब आसाम और मेघालय दोनों सेम थे तब शिलोंग जो है वो उनकी कैपिटल थी, ठीक है, मतलब आसाम की कैपिटल थी, लेकिन अब यहाँ पर मेघालय की कैपिटल हमें देखने को मिलती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जो आसाम है उसकी कैपिटल बतानी है। अब यहाँ पर देखिए 443 किलोमीटर बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ वो यहाँ पर शेयर करता है मेघालय, और उसी के साथ साथ जैसे हमें आसाम में जो है आसाम में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होता हुआ देखने को मिलता है बांग्लादेश से, वैसे ही हमें मेघालय जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो होता हुआ देखने को मिलता है। और जैसे आसाम की समस्या रही है कि यहाँ पर जो फॉरेन लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, बस रहे हैं, जिससे कि रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर कम पड़ रहे हैं जो यहाँ के रहवासी हैं उनके लिए, उसी तरह मेघालय की भी ये बहुत बड़ी समस्या रही है। अब मेघालय अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल लोग हमें देखने को मिलते हैं, और बिसाइड इंडिजीनियस ग्रुप मेघालय के जो रेसिडेंट्स हैं उसमें बंगालीज, नेपालीज, मारवाड़ीज, बिहारीज ये सब देखने को मिलते हैं बाकी कम्युनिटीज से भी। अब मेघालय जो है यहाँ पर ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट है, मतलब इंडिजीनियस खासी, जयंतियाज, गारोज ये 80% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में ये इंटाइटल करते हैं। उसी के साथ साथ ग्रुप जो है जैसे खासी स्टूडेंट यूनियन स्टैब्लिश किया गया 1978 में, और कंटिन्यूअसली उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न इलीगल माइग्रेशन के लिए, मतलब जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं उसके लिए, और आउटसाइडर जो है उन्हें बाहर यहाँ पर निकाल देना चाहिए, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो है उनके द्वारा ऐसी काफ़ी बार मांग जो है वो उठाई जाती है। और उसी के चलते अब यहाँ पर CAA जो है वो यहाँ पर आया है। CAA बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस जो है वो उठ गया है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे CAA जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिले हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CAA जो है उसने कुछ एग्जम्पशंस भी प्रोवाइड किए हैं, है ना, मतलब यहाँ पर 6 शेड्यूल एरियाज जो है वहाँ पर ये इवेंचुअली लागू नहीं होता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनर लाइन परमिट जो है वो भी यहाँ पर लागू की गई, कि इनर लाइन परमिट जहाँ पर होगा वहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा। लेकिन इनर लाइन परमिट आप देखिए जो यहाँ पर नेवी ब्लू इसमें दिया हुआ है, ये इनर लाइन परमिट के स्टेट्स हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं लागू नहीं होगी, लेकिन आसाम मेघालय आप देखोगे तो यहाँ से कुछ 6 शेड्यूल में जो एरियाज हैं वो अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी जगहों पर मेघालय में CAA जो है वो लागू होता है, है ना, CAA लागू होता है। यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, मेघालय के जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो, यहाँ पर कोई भी बाहर का जो है उसे यहाँ पर मिल जाए जिससे कि जो लोकल रिसोर्सेस है वो यहाँ पर छीने जाए। और उसी के साथ साथ वॉयलेंस जो है लास्ट वीक यहाँ पर NTCA कैंपेन और ILP डिमांड जो है वो यहाँ पर लाई गई कि भाई ILP यहाँ पर लेकर आ जाओ जिससे कि CAA जो है वहाँ पर लागू ही नहीं होगा, मतलब जो लोग हैं अगर उन्हें यहाँ पर आना है तो फिर यहाँ पर परमिशन जो है वो लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो टीम्स है वो यहाँ पर बढ़ गई, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वॉयलेंस है वो क्रिएट हो गया, और वॉयलेंस जो है स्टूडेंट एक्टिविस्ट बोलो, नॉन ट्राइबल विलेजर्स बोलो, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैश जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, मतलब जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे और नॉन ट्राइबल विलेजर्स जो है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिला, जिससे कि एक खासी मैन जो है उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है मेघालय में, और उसमें अगर खासी मैन जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर ये वॉयलेंस जो है काफी बुरी तरीके से स्प्रेड हो गया और एक सिविल जो वॉयलेंस है उसमें ये तब्दील हो गया। अब देखिए शिलोंग जो है उसमें वॉयलेंस काफी बार देखने को मिला है अगेंस्ट दी आउटसाइडर सेवरल टाइम्स 4 decades में देखने को मिला है, मतलब यहाँ पर टारगेट जो है वो बंगालीज रहे हैं 1979 में, नेपालीज रहे हैं 1987 में, बिहारीज रहे हैं 1992 में। 2018 में शिलोंग जो है खासी और पंजाब ओरिजिन दलित सिख जो है उनके बीच में यहाँ पर क्लैश देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पर जो वॉयलेंस है उसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। उसी के साथ साथ CAA जो है अब जो यहाँ पर CAA आया है उसकी वजह से जो नॉन ट्राइबल है और जो ट्राइबल है इनके बीच में काफ़ी झड़प हमें देखने को मिल रही है, जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है उनके बीच में काफ़ी झड़प देखने को मिल रही है, और डेथ होने की वजह से ये जो वॉयलेंस है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। अब इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, देखना होगा ये वॉयलेंस जो है किस तरीके से रुख अपना पकड़ता है, लेकिन देखिए कहीं पर भी अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ का, लेकिन वॉयलेंस यहाँ पर बहुत बुरा होता है, वॉयलेंस हमें यूनाइट नहीं करता है, वॉयलेंस हमें बांटता है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए कि हमें रहना इसी कंट्री में है, है ना, हमें रहना इसी कंट्री में है, हम इस देश के रहवासी हैं, हमें इस देश पर नाज है। और देखिए पार्टीज जो है आएगी जाएगी, कोई भी पार्टी आए गई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत ये श्रेष्ठ है और भारत श्रेष्ठ रहेगा और भारत हमेशा रहेगा,
क्योंकि भारत जो है वो जब बड़े बड़े नहीं थे, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि जो जिसे हम बाप बोलते हैं अमेरिका, वो भी जिस वक्त नहीं था, उस वक्त भारत सुदृढ़ देश था, है ना। तो इसीलिए भारत सबका बाप है। तो यहाँ पर भारत जो है वो जब इतने साल से यहाँ पर रहा है तो अभी भी रहेगा। ज़रूरत है कि हम यहाँ पर साथ में रहे, डिवाइड ना हो, हम यहाँ पर यूनाइटेड रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेघालय वॉयलेंस जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो दिल्ली गैंगरेप कन्विक्ट्स हैं उनकी जो डेथ हैंगिंग है वो यहाँ पर चेंज हो रही है, जो डेट है वो चेंज होती रह रही है कंटिन्यूअसली। अब देखिए, ये जो सिनारियो है ये हमने ऑलरेडी भी कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ जिससे कि आपके रिविजन हो जाए। इन सबके पास यहाँ पर कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो डेथ सेंटेंस है, जो कैपिटल पनिशमेंट है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हमारे यहाँ पर दी जाती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस मतलब क्या है कि जो बहुत ही एकदम बहुत ही बुरी तरीके का क्राइम हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है, उसकी जो फैमिली है भूखी है, अगर वो किसी के यहाँ पर जाकर चोरी करता है जिससे कि उसकी फैमिली का पेट भर सके, और यहाँ पर अगर वहाँ पर उस पर मतलब अटैक होता है, काउंटर अटैक होता है, तो ये सेल्फ डिफेंस में अगर हेड डेथ कर दे, मार देता है, तो ये भी मर्डर है ना। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में गिना जाएगा क्या? नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं गिना जाएगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि कोई एक लड़की है, उसका अगर रेप होता है, उसके बाद उसका जो वजाइना है उसमें रॉड डाल दिया जाता है, पूरे इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया जाता है, या फिर जो लड़की है उसे जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में गिना जाएगा। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो भी कन्विक्ट्स हैं उन्हें कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है। अब देखिए, कैपिटल पनिशमेंट जो है उसके फेवर में अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती रही है। अब अगर आप पहले के इसमें देखोगे तो ये पहले के इसमें जो मर्डर है उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट थी, है ना, लेकिन जो रेप है उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी, उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो दी जाती थी। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि यहाँ पर देखिए, अगर किसी लड़की का रेप होता है, ठीक है, अगर इसके लिए भी सेम पनिशमेंट हो, मतलब कैपिटल पनिशमेंट ही हो, फिर क्या होगा? फिर जो इंसान है जिसने रेप किया है वो क्या सोचेगा? वो तो यहाँ पर मर्डर भी कर देगा कि ठीक है ना, मतलब पनिशमेंट तो वही मिलनी है मुझे, इससे अच्छा मर्डर भी कर देता हूँ, मतलब लड़की की जान भी जा रही है। मगर अगर यहाँ पर सेम पनिशमेंट नहीं होती है, रेप के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है, मर्डर के लिए कैपिटल पनिशमेंट होती है, तो यहाँ पर वो इंसान क्या करेगा? यहाँ पर वो इंसान जो मर्डर है वो नहीं करेगा, मतलब लड़की को मार नहीं डालेगा, जिससे कि जो लड़की है उसकी जान एटलीस्ट बच जाएगी। तो ये सिनारियो हमें देखने को मिल रहा था। उसका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है उसका यहाँ पर प्रावधान आ गया। मैं शॉर्ट में एकदम बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको सिर्फ पॉइंट जो है वो याद आ जाए, जो जो हमने कवर किए थे, है ना, क्योंकि डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया हुआ है, कौन किन लोगों ने कौन कौन से डेट पर कौन कौन सी प्ली यहाँ पर दाखिल की है वो भी हमने कवर किया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसका नेगेटिव जो है, मतलब जैसे कि यहाँ पर डेथ सेंटेंस जो है वो नहीं दी जानी चाहिए, इसका भी यहाँ पर बोला जाता है। इसका तर्क क्या दिया जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर क्राइम किया है उन्हें यहाँ पर अच्छा बनाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर आप कैपिटल पनिशमेंट दे दोगे तो मर जाएगा, फिर वो कभी अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन अच्छा बनाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ कैपिटल पनिशमेंट जो है उसके फेवर में क्या बोला जाता है कि नहीं, इससे एटलीस्ट डर रहता है लोगों को, ये सब कुछ होता है, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जानी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इसके फेवर में और उसके अपोज में ये भी चीज़ें हमने कवर की हुई थी। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इन सभी ने, जितने भी लोग हैं सभी ने यहाँ पर, जो सभी को जब डेथ सेंटेंस हो जाती है उसके बाद इनके पास क्या ये बसता है, रिव्यू पिटीशन जो है दाखिल कर सकते हैं। तो सभी ने रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल कर दी, रिव्यू पिटीशन की खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद होता है क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो दाखिल कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो भी तीनों ने, चारों ने यहाँ पर कर दी और फिर वहाँ पर वो खारिज हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो जब यहाँ पर ख़त्म हो जाती है उसके बाद और कौन सा एक इलाज बचता है इनके पास, तो रिव्यू पिटीशन चला गया, क्यूरेटिव पिटीशन चला गया, उसके बाद और एक बचता है वो है मर्सी पिटीशन। अब देखिए, मर्सी पिटीशन जो है ये भी इन सब ने यहाँ पर दे दी है और वो रिजेक्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिट जो है मर्सी पिटीशन के अगेंस्ट में वो यहाँ पर इशू की है। तो दो लोगों ने यहाँ पर की है, दो लोगों का नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ पर ऐसा होता है कि चारों लोगों को साथ में यहाँ पर फांसी होनी चाहिए, क्योंकि चार लोगों ने साथ में यहाँ पर क्राइम किया हुआ है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो डेट दी गई है, हो सकता है डेट और ज़्यादा चली जाए, क्योंकि जब डेथ दी जाती है, जब वारंट निकाला जाता है, तो उसके बाद भी 14 डेज़ का जो है वो पीरियड दिया जाता है जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। उसके बावजूद अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो और ज़्यादा यहाँ पर डिले जो है वो फांसी में हो सकता है। तो अब देखना होगा यहाँ पर होता क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें कवर की थी।
अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं येस बैंक क्राइसिस के बारे में। अब देखिए येस बैंक क्राइसिस के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आज ही अपलोड किया है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अब देखिए बेसिकली अगर हम बैंक के टाइप देखते हैं तो अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिलते हैं। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब जिसमें हमें SBI ये सब देखने को मिलते हैं, जिसमें सरकार जो है उनके यहाँ पर शेयर ज़्यादा होते हैं, वो यहाँ पर ओनर होती है। फॉरेन बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, जैसे कि HDFC है, ICICI है, RRB होते हैं। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक देखने को मिलते हैं। कमर्शियल बैंक का पर्सपेक्टिव ये होता है, उनका मोटो ये होता है कि कमर्शियली हमें यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। अब देखिए जब हम येस बैंक की बात करते हैं तो वो एक प्राइवेट बैंक है और उसकी शुरुआत जो है हमें 1998 में देखने को मिलती है, जहां पर राणा कपूर, हरप्रीत सिंह और अशोक कपूर ये तीनों मिलकर जो एक नेदरलैंड की कंपनी थी रेबो बैंक, उसके साथ मिलकर रेबो इंडिया फाइनेंस जो है उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ साल बाद इसमें जो शेयर्स है सब कुछ बेचकर वो येस बैंक की शुरुआत करते हैं। अब येस बैंक का लाइसेंस जो है वो भी उन्हें मिल जाता है और तीनों मिलकर येस बैंक की शुरुआत करते हैं 2004 में। अब उसके बाद यहाँ पर येस बैंक जो है उसमें से हरप्रीत सिंह जो है वो निकल जाते हैं और सिर्फ राणा कपूर और अशोक कपूर जो है ये दोनों बसते हैं। फिर जो राणा कपूर है वो CEO रहते हैं और जो अशोक कपूर है वो चेयरमैन रहते हैं। अब ये काफ़ी अग्रेसिवली बैंक जो है उसे यहाँ पर चलाते हैं, मतलब यहाँ पर जो कंपनीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते, मतलब बहुत ज़्यादा लोन्स जो है वो देते हैं और उसी के साथ साथ लोन्स जो है वो वापस भी लेते हैं, जिसकी वजह से जो बैंक है उसका प्रॉफिट कई ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बैंक यहाँ पर कमा लेती है। मगर यहाँ पर जो एक्चुअल नंबर्स है और प्रोवाइडेड नंबर जो होते हैं, मतलब RBI को नंबर्स प्रोवाइड करने होते हैं, तो ये जो नंबर्स है इसमें काफ़ी घपला होता है। मतलब 10 साल तक जो येस बैंक है बहुत प्रॉफिट में दिखाई देती है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो पता चलते हैं कि एक्चुअल नंबर्स नहीं है, जो प्रोवाइडेड नंबर्स है इसमें काफ़ी घपला है। तो ऐसे सिनारियों में फिर होता क्या है, फिर ये पता चलता है कि बैंक का बहुत ज़्यादा NPA जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। मतलब जो बैंक है जिसने SL ग्रुप, DHFL, अनिल अंबानी कंपनीज, इनको जो यहाँ पर लोन में पैसा दिया है, ये कंपनीज में लॉस जाने की वजह से यहाँ पर NPA का पैसा वापस नहीं आ पाया है। इसके वजह से जो बैंक है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, NPA में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर फर्स्ट जो है फाइनेंशियल 2019 का 1.6% था, अब यहाँ पर अगर क्वार्टर सेकंड देखते हैं फाइनेंशियल 2020 का तो 7.39%, इतना भी NPA जो है वो देखने को मिलता है। और NPA ये एक प्रॉब्लम तो था ही, उसी के साथ साथ यहाँ पर कैपिटल जो है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कैपिटल जो है वो भी बैंक के पास नहीं है। मतलब जितना थ्रीशोल्ड होता है, जितना रखना होता है, उसके लिए 10,000 करोड़ के आसपास कैपिटल जो है एस बैंक को लाना पड़ेगा और ये लाना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से जो RBI है उसने सोचा कि अब भैया आतमाजी सटक ली, तो इसलिए फिर RBI ने बोला कि अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा देना बहुत सही है। तो इस पर कम्प्लीटली नज़र रखने के लिए RBI ने यहाँ पर क्या किया, तो RBI ने यहाँ पर सबसे पहले तो किसका साथ मांगा, RBI ने साथ मांगा बट ऑबियस है उसका, ठीक है, मतलब SBI का। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले तो विड्रॉल लिमिट लगा दी यहाँ पर 50,000 की, उसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। मतलब SBI जो है वो इसका कमर्शियल पर्सपेक्टिव देखकर जो शेयर्स है उसमें यहाँ पर ट्रेडिंग करने की सोचेंगे। अब आप सब जानते हो शेयर वैल्यू है येस बैंक की वो कम्प्लीटली नीचे आ गई है ना। और उसी के साथ साथ अब देखिए RBI जो है वो यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, PCA फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन PCA फ्रेमवर्क का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है PCA फ्रेमवर्क। अब देखिए PCA फ्रेमवर्क जो होता है ये होता है जो भी वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है उसे यहाँ पर वॉच में लाया जा सके RBI के, जिससे कि यहाँ पर जो बैंक्स है उसका कंट्रोल, मॉनिटर, एक्सेस जो है वो RBI ले सके। अब इसके पैरामीटर्स हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है RBI का उसके कौन कौन से पैरामीटर्स है। तो उसमें आता है कैपिटल, मतलब बैंक के पास इतना कैपिटल जो है वो रहना ही चाहिए। बाद में आती है एसेट क्वालिटी, फिर आती है प्रॉफिटेबिलिटी और आता है लेवरेज। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो येस बैंक काफ़ी ज़्यादा बता रहा था, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर पता चला कि यहाँ पर एसेट क्वालिटी जो है, जो NPA है वो पूरा का पूरा नीचे जाता जा रहा है ना। कैपिटल जो है वो भी बैंक के पास नहीं है और उसी के साथ लेवरेज जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो RBI है उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में यहाँ पर लेना चाहिए था येस बैंक को। और इसके रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जाते हैं, मतलब इसका रिस्क थ्रेशोल्ड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अगर 1 में आता है तो यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रेमिटेंसेज जो है, प्रॉफिट जो है उस पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। अगर दूसरे इसमें जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले इसमें जो है वो तो लगाया ही जाएगा, उसी के साथ साथ ब्रांच एक्सपांशन में रिस्ट्रिक्शन लाए जाते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कवरेज है वो यहाँ पर कम किया जाता है।
और तीसरी इसमें अगर आ जाता है तो फर्स्ट और सेकंड के एडिशन के साथ साथ यहाँ पर जो मैनेजमेंट कंपनसेशन है, डायरेक्टर की फीस है, उसमें भी यहाँ पर लाया जाता है। मर्जर जो है वो देखा जाता है, बैंक को शटडाउन करना, ये सब कुछ देखा जाता है। तो ये है मैंडेटरी एक्शंस। और कुछ डिस्क्रिशनरी एक्शंस भी होते हैं, डिस्क्रिशनरी एक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन से मैंडेटरी एक्शंस है या फिर डिस्क्रिशनरी एक्शंस है, तो आपको दोनों यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन है वो भी लगाए जा सकते थे पीसीए फ्रेमवर्क के तहत, मगर आरबीआई ने सोचा कि मेरा यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने पीसीए फ्रेमवर्क जो है इस पर लागू नहीं किया येस बैंक पर। और उसी के साथ साथ सरकार और आरबीआई ने कहा है कि आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर पूरे सेफ है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि जैसे ही कुछ लिमिट लगा दी जाती है लोग यहाँ पर काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। और 50,000 की यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है, लेकिन देखिए जो 50,000 की लिमिट यहाँ पर लगाई गई है ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अगर आपको कोई अर्जेंसी होती है, मतलब अगर आपको मेडिकल इसके लिए या फिर शादी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ये होता है, तो आपको इससे लिमिट जो है बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। और बाकी इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, तो वो आप भी आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है ईपीएफओ बोर्ड जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया है 7-year low 8.5% पर। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से हम यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। तो ईपीएफ बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसिलिनियस एक्ट 1952 के तहत इसे लाया गया। अब यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि एडमिनिस्टर कौन करता है, एडमिनिस्टर किया जाता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर ये एडमिनिस्टर किया जाता है। और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ये अंडर में आता है। अब देखिए ईपीएफ बेसिकली क्या है, तो इसकी तीन स्कीम्स चलती है। एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952, जिसमें ईपीएफ कहा जाता है, इसी रिटायरमेंट स्कीमिंग होती है। मतलब क्या है कि आप यहाँ पर जो भी पैसा, मतलब आपको सैलरी में, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी में मिल रहा है 1,00,000 रुपये, ठीक है, तो इसमें से कुछ पैसा जो है वो ईपीएफ में अपने आप जमा होता जाएगा, ईपीएफ में जमा होता जाएगा। और ये जब आप रिटायर हो जाओगे या फिर आपको तोड़ना भी है ईपीएफ तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको होलसम अमाउंट जो है वो मिलता है, और इस पर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। मतलब जो यहाँ पर जमा हो रहा है पैसा, आपका जमा तो हो ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। दूसरी यहाँ पर आती है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, इसे हम ईपीएस कहते हैं, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन जो है उसके लिए हेल्पफुल रहती है। और तीसरी है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, ईडीएलआई कहते हैं, ये होता है फैमिली मेंबर्स को रिलीफ देने के लिए इन केस ऑफ सडन डेथ, अगर सडन डेथ हो जाती है तो ईडीएलआई, मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो है उसके तहत यहाँ पर पैसे जो है वो दिए जाते हैं अगर सडन डेथ जो है वो अगर हो जाती है। तो ये तीन स्कीम जो है ईपीएफ के तहत वो हमें देखने को मिलती है। अब इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो है, जो पैसा यहाँ पर जमा हो रहा है आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, है ना। तो इंटरेस्ट रेट जो है अभी यहाँ पर कम कर दिया गया है, इंटरेस्ट रेट यही यहाँ पर बात जो है निकल कर आ रही है। अब इसकी अप्लीकेबिलिटी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इंडस्ट्रीज जो है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ ईपीएफ एक्ट, ये 180 प्लस इंडस्ट्रीज इसमें आती है उस पर ये लागू होगा। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अगर कहीं पर 20 से ज़्यादा है वहाँ पर ये लागू होगा। थिएटर एम्प्लॉय जो किसी 5 से या उससे ज़्यादा है तो उस पर भी ये कभी कभार लागू हो जाता है। उसमें वेजेस बेसिक प्लस डीए 15,000 या उससे कम है तो यहाँ पर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर दूसरे इस पर लागू हो जाता है, ठीक है, जिनका ज़्यादा है उस पर लागू हो जाता है। और एक बार अगर ये कवर्ड किया गया तो हमेशा ये कवर्ड रहेगा, मतलब अगर आपकी कंपनी है पहले उसमें 30 लोग थे तो आप पे ये लागू हो गया, अब यहाँ पर लेकिन आपकी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो 10 ही लोग है, लेकिन फिर भी ये लागू रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। और पहले अगर देखा जाए पहले तो ये रेट जो है जिसमें 6,000 एक्टिव सब्सक्राइबर जो है कवर है ईपीएफओ में, ठीक है, 6 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स यहाँ पर तैनात है। अब यहाँ पर क्या किया गया, पहले 8.65 है ना, 8.65 जो है वो देखने को मिल रहा था जितना इंटरेस्ट रेट जो है दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 8.5 ये जो इंटरेस्ट रेट है ये यहाँ पर लाया गया है, 8.5 ईपीएफओ रेट जो है यहाँ पर लाया गया है। लेकिन ये भी जो रेट है कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है उससे ज़्यादा ही है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही है। जैसे अगर आप देखोगे तो मतलब सिर्फ जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें 8.6 आपको देखने को मिलता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसमें 8.4 देखने को मिलता है ना, यहाँ पर आपको 8.5 जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले ऐसा देखा गया था कि अगर इसे और कम लाया जाता है, मतलब जो पहले 8.65 था अब इसे जो 8.5 लाया गया है, तो अगर इसे और कम लाया जाता है तो यहाँ पर सरकार को 1,000 करोड़ तक का फायदा हो रहा था, मगर अब यहाँ पर 700 करोड़ तक का फायदा जो है सरकार को होने वाला है, और बाकी लोग जो है उनका क्या है, उनका तो कटना ही है, चलो खैर। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ईपीएफओ जो है उसके रिगार्डिंग ये तो ठीक है, ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से।
तो आइए हम देखते हैं हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज को। ये हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब उस कंट्री तक पहुंचने के लिए हमें साउथ अमेरिका में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अफ्रीका को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर हम इतने बड़े ओशन को क्रॉस कर रहे हैं और हम यहाँ पर आ गए हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको कंट्री है जो कि है वेनेजुएला, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज़ में हमेशा से रह रही है ना। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको पता रहना चाहिए कौन से वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।